ये तो बात आज हम है। बात करने जा रहे हैं वीवीएमआई को प्रोग्रामिंग पे एक प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट क्या है ये जान लेते हैं। देखिए मेरे पास मुझे क्या करना है, 365 शीट्स बनानी है। तो मान लीजिए ई ड्राइव के अंदर 2022 नाम का ये फोल्डर है ना सर। तो मुझे क्या करना है कि इस मैं फोल्डर के अंदर तो 12 देखते हैं फाइलें बनानी है। कि मैं राइट क्लिक करूं, न्यू पे जाऊं और यहां एक वर फाइल बनाऊं और फाइल का नाम डालूंगा जैन। क्या डालूंगा? जैन। और फिर इस फाइल के अंदर मुझे जनवरी में कितने सीट होते हैं, 31 सीट होते हैं ना सर। तो मुझे 31 सीट इस तरह से इंसर्ट करना है और सबका नाम 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से देना है। ओके सर। जी तो इसको कैसे करें, तो इसके लिए हम वीवीए प्रोग्रामिंग को लिखेंगे। चलिए आपके सामने हम एक इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल और यहां पे जाते हैं। सबसे पहले हम यहां पे एक माइक्रो बनाते हैं, पूर्ण प्रोजेक्ट अंडर स्कोर टू। मरी पे प्लीज म्यूट कर लीजिए। सबसे पहले मुझे क्या करना है कि बेसिकली हमें 12 फाइलें बनानी है, राइट। तो मैं यहां पे किया बार बुक्स डॉट एड और कहां पे एड डॉट सेव एज। क्या करना है? सेव एज, क्योंकि पता है नाम देना हमें। ई ड्राइव के अंदर 2022 स्लैश करना पड़ेगा, स्लैश 2022 स्लैश और इसका नाम देना है जैन डॉट एक्सएलएस। अब एक्सएलएस एक्शन। अब यहां पे प्रॉब्लम आ गई कि मैं 12 फाइल बनानी है, तो क्या मैं इसको कॉपी करूं, पेस्ट 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 और यहां से 12, 13, 14, 15 करूं क्या? तो गड़बड़ हो जाएगी ना सर। जैसे सेम उसी तरह से कि मुझे एक अलग में मैसेज बॉक्स चाहिए। क्या चाहिए? मैसेज बॉक्स। तब मैं लाला MSG बॉक्स यहां लिखा हाय, ठीक है। अब मैं इसको अगर 3 बार चाहिए तो क्या, या 5 बार चाहिए तो क्या, मैं इसको 5 बार इस तरह से लिखूं, रन करूंगा तो मुझे 5 बार दिखेगा। लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं होगा, मैनुअल हो जाएगा ना। डायनेमिक करना है कि 5 की जगह पे 500 हो सकता है, 5000 हो सकता है ना, कभी कभी ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए लूप यूज करते हैं। अब यहां देखिए एक नया लूप का कंसेप्ट मिल रहा है। लूप फोर आई इक्वल टू चले 1 to 5 और यहां पे हमने कर दिया नेक्स्ट आई। अब इस मैसेज बॉक्स को 5 बार रन करेगा। कितना बार रन करेगा? 5 बार। यहां पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, समझे। अब यहां पे समझिए कि 4 लगता कैसे, 4 लगता क्यों है, समझ में आ गया आप लोगों को? 4 लूप लगता जी क्यों सर, है? किसी जी भी सर, लाइन ऑफ कोड, एक कोड या एक से ज्यादा कोड को मुझे कई बार रन करना है, समझ गए। अब काम कैसे करता है? फोर और नेक्स्ट होता है, फोर इसका स्टार्टिंग पार्ट होता है और नेक्स्ट इसका एंड पार्ट होता है। दोनों देना जरूरी है, जैसे कि यहाँ सब और एंड सब होता है ना, उसी तरह से। आई एक वेरिएबल होता है, जैसे कि हम लोग एक्स वाई जेड ABCD कुछ भी ले लेते हैं ना। जैसे पहले वो लिए थे, पहली प्रोजेक्ट में हमने YMD लिया था, उसी तरह का आई है। आई काउंटर है कि लूप जो है, फोर जो है, इस मैसेज बॉक्स को कितना बार रन कर चुका है उसका नंबर यहाँ स्टोर कर, और कितना बार चलना है ये यहां से डिसाइड होता है। और नेक्स्ट क्या करता है, चेक करता है कि आई की वैल्यू इसकी हाईएस्ट वैल्यू से ज्यादा है कम है। अगर ज्यादा है तो फिर वो लूप को फिनिश कर देता है, अगर कम है तो वापस लूप को भेजता है। अब देखिए यहां पे मैं N% के साथ आई लगा देता, ठीक है। अब मैं इसको एफर्ट करता हूँ। हमारे पास एक डिबग के अंदर स्टेप होता है जिसमें एफर्ट से आप एक एक लाइन को एड रन कर सकते हैं, पूरा माइक्रो लर्न करने की जरूरत नहीं।
तो मैंने एफर्ट प्रेस किया तो आई चल। अब देखिए आई के ऊपर जो वैल्यू है क्या है, वन है। क्या है? वन है। और फिर मैंने एफर्ट किया तो देखिए आ गया हाई वन, क्योंकि यहाँ पे वन जो है आई के साथ कंबाइन हो गया हाई वन। मैं इसको एक बार ओके करता हूँ, फिर देखिए हाई टू, हाई थ्री, हाई फोर, हाई फाइव, समझ गए? प्रदीप एंड प्रदीप जी, समझ में आया? जी जी सर जी तो सेम यहाँ हम लिखते हैं कि फोर आई इक्वल टू चले 1 to 12, और यहाँ पे कर दिया नेक्स्ट आई। तो इस रिकॉर्ड को 12 बार चलाएगा, लेकिन हर बार तो जैन का ही फाइल बनेगा ना। अगर फाइल नंबर में 1 to 3 करना हो तो क्या कर सकते हैं, सिंपली इस तरह से कॉन्कैटेनेट कर दिया, और इस वन के जगह हम आई कर देते हैं। अब क्या, सॉरी तो एन गलत जगह, तो आई पहला पर वन चलेगा, वन नाम का फाइल बनाएगा, फिर टू चलेगा, टू नाम का फाइल बनाएगा, फिर थ्री चलेगा, थ्री नाम का फाइल बनाएगा। क्या सर? फिर वर्कबुक डॉट क्लोज कर देता हूँ, सॉरी वर्कबुक्स एक्टिव वर्कबुक होगा ना, एक्टिव वर्क और दो बार सर। लेकिन मुझे फाइल तो बनानी है जैन फाइव से। तो मान लीजिए कि एक्सेल में मैंने यहां लिख दिया मंथ, मंथ इज द वन, मुझे इससे इसको मुझे किसमें करना है, इसको मुझे करना है मंथ नेम में। तो एक मंथ नेम का फॉर्मूला आता है हमारे पास, मंथ नेम, जो कि ये मैंने आपको पहले ही बताया था, याद होगा, हमने इसको फॉल्स कर ट्रू कर दिया। तो ये जैन फाइव मार्च के नाम से फाइल बना देगा। अब मैं इसको रन अगर करूं, यहां पे रन करता हूं, देखिए ए ऑलरेडी जनवरी का फाइल ऑलरेडी था, देख रहे 12 फाइल बना रहा है, दिख पा रहा है यहाँ नीचे? तो बन रहा है सर? हो गया सर? तो आपने देखा इसने 12 फाइल बना दिया सर। लेकिन हर फाइल के अंदर वो सीट ऐड नहीं किया जो मुझे सीट ऐड करना था। तो सीट कैसे ऐड करेगा? तो सीट ऐड करने का कोड होता है कि सीट्स डॉट ऐड। अब यहां बिफोर आफ्टर हटा देता हूं, काउंट, काउंट में 31 माइनस सीट्स डॉट काउंट, 31 सीट ऐड करने हैं। और सीट डॉट काउंट हमने क्यों किया प्रदीप जी, यहां माइनस क्यों किया हमने सीट डॉट काउंट को, बताएंगे सर? सर जितनी बन गई उतनी नहीं। देखिए बन गया नहीं सर, सबसे पहले जानिए जब सीट ऐड होता है तो कुछ ना कुछ सीट तो उसमें होती है ना सर, तो हमें एग्जैक्ट उतना ही सीट बनाना है जितना उस मंथ में दिन है, मतलब एग्जैक्ट 31 सीट बनानी अगर जनवरी हुआ तो 31 माइनस पहले से अगर 3 सीट है तो कितने होंगे? हेलो, हाँ जी 31 सर, माइनस है 3 सर, होगा तो हो जाएगा आपका 29, 29 सीट ऐड होगा, 3 पहले से सर टोटल 31 हो गए। अगर 28 है तो 28 ऐड होगा, अभी 31 को मैं ऑटोमेट करूंगा। तो सारे शीट हमने क्या कर लिए, ऐड कर लिए, और हर शीट का नाम देना है। तो अगर मैं लिखता हूं शीट्स, शीट्स के साथ यहां पे वन डॉट नेम, डॉट नेम इक्वल टू वन, तो मुझे 31 बार लिखना पड़ेगा 2 3 4 5। तो इसके जगह पे लूप लगा लूं मैं, फोर जे इक्वल टू चले 1 2 12,
31, और यहां पे नेक्स्ट जे, अब जे क्यों लिया, आई क्यों नहीं लिया, क्योंकि आई ऑलरेडी यहां ले चुका हूं मैं, और यहां पे जे और यहां पे जे। अभी क्या करेगा मेरा कोड, मेरा कोड 12 फाइल बनाएगा जैन फैब के नाम से, और हर फाइल के अंदर में 31 शीट ऐड करेगा। अब सारे शीट का नाम लिखेगा 1 2 3 4 5। बट यहां पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई सर यहां पे प्रदीप जी? सर 31 जो है आपका स्टैटिक हो गया है, इसको डायनेमिक करना पड़ेगा। जी हाँ, तो कैसे करें, मंथ नेम ये यहाँ 1 है। देखिए एक्सेल में एक फॉर्मूला होता है डेट का, किसका होता है डेट का। डेट इसमें लिख दिया 2022, मंथ हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और डे में 1 कर दिया, तो रिजल्ट क्या आएगा, एक डेट आएगा। फिर इस डेट में को हम ईओ मंथ लगाएंगे और बोलेंगे कि मुझे इस महीने का लास्ट डेट चाहिए, तो यहां आ गया। और फिर इसके अंदर अगर हम डे लगाते हैं, डे का फॉर्मूला, तो इसमें 31 सीधा आएगा। तो मुझे अगर मैं यहां दो फॉर्मूला डालता हूं तो ये देखिए 28 हो जाएगा, 3 डालता हूं मंथ तो ये डाल हो जाएगा आपका 31, फिर 4 डालता हूं 30। अब यही फीचर्स को हमें एक्सेल में अप्लाई करना है। तो डेट का फॉर्मूला नहीं है यहां पे, डेट सीरियल कहलाता है। क्या कहलाता है, डेट सीरियल। तो एक बराबर वेरिएबल निकालता हूं डे के नाम से, डी के नाम से, और यहां पे लिखते हैं डे, यहां पे डेट सीरियल। और फिर सीरियल का स्पेलिंग मिस्टेक है क्या, ये होगा ठीक है। डेट सीरियल 2022, और मंथ में हमने डाल दिया आई 1 2 3 4, जैसे हमने फाइल नेम में डाला हुआ है उस तरह से, और कॉमा हमने डाल दिया 1। दे दे देगा हमारा कौन सा डेट, एक डेट मंथ का पहला दिन दे देगा, लेकिन मुझे मंथ का लास्ट डेट चाहिए। तो यहां हमने क्या किया, ईओ मंथ। अब प्रॉब्लम है कि ईओ मंथ फॉर्मूला वीवीए में सपोर्ट नहीं करता है डायरेक्ट, तो हम इसको कैसे लाएंगे, एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट ईओ मंथ। अब यहां पे एक चीज, नई चीज सीखने को मिला आपको कि कोई एक्सेल फॉर्मूला बीवीए को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे, एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट से ले लेंगे, इसमें डी डाला और बोला 0, तो ये महीने का लास्ट डेट दे देगा। फिर डी इक्वल टू हमने डे के अंदर डी को डाल दिया, हालांकि इकट्ठा एक बार में लगा सकता था सारा, लेकिन हमने लाइन में लाइन लगा दिया ताकि आपको समझ में आए। फिर जहां जहां 31 था वहां वहां डी हम कर देते हैं। अब आपका फाइल माइक्रो 100% बन चुका है। चलिए अब एफेट करके रन करते हैं, ठीक है। एफेट किया, आई 1 आ गया। अब डेट सीरियल 2022, 1 महीना, और 1 को डेट करके एक डेट बना दिया, दिख रहा 1 1 2022। फिर ईओ मंथ ने क्या किया, लास्ट डेट निकाल दिया 31 जनवरी का, और डे ने क्या किया, इसमें से लास्ट निकाल लिया। फिर यहां देखिए मंथ नेम जो है चला, और आई को जनवरी नाम में कन्वर्ट कर दिया, एक जनवरी नाम का सीट ऐड हो गया, आप देख सकते हैं यहां ऐड हो गया। अब फिर यहां कितना है, डी है, सीट डॉट काउंट 3 है, दिख रहा है, तो 31 माइनस 3 होके उतने सीट यहां ऐड हो गया, आप देख सकते हैं उतने सीट ऐड हो गया। अब जो है 1 से लेके D तक चलना है, इसमें 31 तक चलना है, और पहले सीट का नाम 1 दिया, दूसरे सीट का नाम 2, तीसरे सीट का नाम 4, ऐसे ही वो 31 सीट का नाम डालेगा, देख सकते हैं यहाँ नाम डालना है, डालना है सर, जी, ये नाम डालना है। जब 31 सीट का नाम डल जाएगा तो सीट क्लोज कर दिया। अब यहां देखिए आई क्या हो गया, 2 हो गया, क्या एक बार लूप कंप्लीट हो चुका है ना, इसे 2 हो गया। अब यहां 2 से फरवरी का डेट बनाया, फिर फरवरी के बाद फरवरी के लास्ट डेट और फरवरी के डेट निकाला। फिर यहां पे देखिए मंथ नेम जो है इसको फैब नाम का सीट ऐड करेगा, राइट राइट
और आगे कंटिन्यू करेगा। तो कुछ ही सेकेंड्स में आपका 12 शीट विथ 365, 12 फाइल विथ 365 शीट कुछ ही सेकेंड में आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, समझे सर? जी। ये रहा आपको रिकॉर्ड, एक समझ में साथ आया आप परमानेंट लोगों नहीं की कर नहीं सकते सर? सर, एक साथ। हेलो, हाँ सर, एक साथ अगर रन करना हो मतलब एक ही क्लिक पे सारा वो मतलब फोल्डर बन जाएगा सर, डेट हाँ, ये हमने एक ही बार महीने यहाँ पे का। पहले हमने एफर्ट किया था ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझाओ, ऐसे एक ही बार चलेगा ना, यहाँ से जब आप ओके करेंगे तो एक ही साथ चलेगा ना सर, ये प्रोजेक्ट टू एक ही बार रन होगा, देखिए एक ही बार बनाया। ठीक है सर। समझे? हाँ हाँ सर, तो इस कोड को आप कीजिए प्रैक्टिस, अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो कीजिए मुझे कॉल, हम आपको समझाएंगे। पहले आप देखिए करने का तरीका है, पहले जैसा मैंने किया है ना उस तरह से आप कीजिए, ठीक है? जब वो कब एग्जैक्टली वर्क कर जाता है, रन कर जाता है, तो आप क्या करेंगे? कहाँ कर गया है ये, यहाँ कर गया है। जब हो जाता है तो क्या करेंगे?